जिरह बख्तर की मजबूती। बादशाह अकबर को अपनी फौज के लिए कुछ जिरह बख्तर की आवश्यकता थी, अतः उन्होंने इसके कारीगर को बुलवाया और पहले एक जिरह बख्तर बनाने का आदेश दिया ताकि उसकी मजबूती को परखा जा सके। कुछ दिनों बाद कारीगर बख्तर बनाकर ले आया। अकबर ने बख्तर एक पुतले को पहनाया और अपनी तलवार से उस पर वार किया। वार करते ही बख्तर फट गया। यह देखकर अकबर क्रोधित हो गए और अपना सारा क्रोध उस कारीगर पर उतारते हुए बोले, इतने कमजोर बख्तर बनाते हो तुम, जाओ दूसरा बख्तर बनाकर लाओ, और यदि वह भी ऐसा ही निकला तो तुम्हारी खैर नहीं। कारीगर लौट आया किंतु बादशाह के हुक्म के कारण वह परेशान हो उठा। उसे लगा कि अब उसकी जान बचना मुश्किल है। काफी सोच विचार के बाद उसने बीरबल से सलाह लेने का विचार किया और सारी बातें बीरबल को बता दी। तुम चिंता मत करो, बादशाह के हुक्म का पालन करो और दूसरा बख्तर बनाकर लाओ, और जब बादशाह उसे किसी पुतले को पहनाकर परखने लगे तो तुम कहना कि इसकी परख तुम्हारे ऊपर ही होगी। बख्तर को तुम स्वयं पहन लेना, डरना बिल्कुल भी नहीं, और जब बादशाह स्वयं या कोई सिपाही तुम पर वार करने लगे तो इतनी जोर से चिल्लाना कि वार करने वाला वार ही ना कर पाए, और जब बादशाह चिल्लाने का कारण पूछे तो कहना कि इस बख्तर को पहनने के बाद कोई भी मानव साधारण नहीं रह जाता, उसमें इतनी शक्ति आ जाती है कि कोई उस पर वार कर ही नहीं सकता। बीरबल ने कारीगर को अच्छी तरह से समझाया। बीरबल के कहे अनुसार कारीगर ने दूसरा बख्तर बनाया और उसे लेकर दरबार में पेश हो गया। बादशाह अकबर जब उस बख्तर को परखने के लिए पुतले पर चढ़ाने लगे तो कारीगर ने उसे स्वयं पहनकर परखने को कहा। कारीगर ने बख्तर पहन लिया। अकबर के आदेश पर एक सिपाही उस पर हमला करने जैसे ही आगे बढ़ा, कारीगर इतना जोर से चिल्लाया कि सिपाही डर कर वहीं रुक गया। जब बादशाह अकबर ने इसका कारण पूछा तो कारीगर ने बीरबल द्वारा बताया गया कारण बता दिया। बादशाह अकबर समझ गए कि इस व्यक्ति के पीछे किसका दिमाग काम कर रहा है। वह बीरबल की ओर देखकर मुस्कुरा दिए। जैसे को तैसा। श्यामदास बहुत ही निर्धन व्यक्ति था। एक बार उसे स्वप्न आया कि उसने अपने मित्र रामदास से 100 रुपए उधार लिए हैं। प्रातः जब वह उठा तो उसे इस स्वप्न का फल जानने की इच्छा हुई। उसने कई लोगों से स्वप्न की चर्चा की। इसी तरह यह बात फैलकर रामदास के कानों तक भी जा पहुंची। सुनकर रामदास के मन में लालच जाग उठा। वह श्यामदास के यहाँ पहुंच गया और अपने 100 रुपए की मांग करने लगा। 100 रुपए? किंतु वह तो मैंने स्वप्न में लिए थे, श्यामदास ने हैरानी से कहा। तुमने चाहे जैसे भी लिए हों, अब लौटाने तो पड़ेंगे। मेरे पास कई गवाह हैं जिसके सामने तुमने स्वयं कर्जा लेना स्वीकार किया है। सीधी तरह से रुपए लौटा दो, वरना मुझे दरबार में जाना पड़ेगा, रामदास ने धमकी देते हुए कहा। गरीब श्यामदास भला रामदास के 100 रुपए कहाँ से देता। अतः बात दरबार तक पहुँच गई। रामदास ने पूरी तैयारी के साथ श्यामदास पर मुकदमा किया था। सभी गवाह और सबूत श्यामदास के खिलाफ थे। बादशाह अकबर ने न्याय के लिए बीरबल को आगे कर दिया। बीरबल ने दोनों पक्षों की बात गौर से सुनी, फिर एक सेवक को हुक्म देकर शाही खजाने से 100 रुपए तथा एक दर्पण मंगवाया। सेवक दोनों चीजें ले आया तो बीरबल ने 100 रुपए दर्पण के सामने रखे और दर्पण में दिखने वाले रुपए की तरफ इशारा करके बोले, जाओ जो रुपए तुम्हें दर्पण में दिख रहे हैं उठा लो। हुजूर, दर्पण में तो रुपयों का प्रतिबिंब है, उसे कैसे उठाया जा सकता है, रामदास ने कहा। क्यों, स्वप्न भी तो प्रतिबिंब होता है, जब उससे रुपए दिए जा सकते हैं तो लिए क्यों नहीं जा सकते, बीरबल ने कहा। रामदास चुप रहा। बीरबल ने श्यामदास को बाइज्जत बरी कर दिया और रामदास पर झूठा मुकदमा चलाने तथा दरबार का समय व्यर्थ करने के कारण जुर्माना लगा दिया। बीरबल के न्याय से बेहद प्रसन्न हुए बादशाह अकबर। जोरू का गुलाम। बादशाह अकबर और बीरबल बातें कर रहे थे। बाद मियां बीवी के रिश्ते पर चल निकली तो बीरबल ने कहा, अधिकतर मर्द जोरू के गुलाम होते हैं और अपनी बीवी से डरते हैं। मैं नहीं मानता, बादशाह ने कहा। हुजूर, मैं सिद्ध कर सकता हूँ, बीरबल ने कहा। सिद्ध करो। ठीक है, आप आज ही आदेश जारी करें कि किसी के भी अपनी बीवी से डरने की बात साबित हो जाती है तो उसे एक मुर्गा दरबार में बीरबल के पास जमा कराना होगा। बादशाह ने आदेश जारी कर दिया। कुछ ही दिनों में बीरबल के पास ढेरों मुर्गे जमा हो गए। तब उसने बादशाह से कहा, हुजूर, अब तो इतने मुर्गे जमा हो गए हैं कि आप मुर्गी खाना खोल सकते हैं, अतः अपना आदेश वापस ले लें। बादशाह को ना जाने क्या मजाक सूझा कि उन्होंने आदेश वापस लेने से इनकार कर दिया। खींचकर बीरबल लौट गया। अगले दिन जब दरबार में बीरबल आया तो बादशाह अकबर से बोला, हुजूर, विश्वसनीय सूत्रों से पता चला है कि पड़ोसी राजा की पुत्री बेहद खूबसूरत है। आप कहें तो आपके विवाह का प्रस्ताव भेजूं। यह क्या कह रहे हो तुम, कुछ तो सोचो। जनान खाने में पहले ही दो हैं, अगर उन्होंने सुन लिया तो मेरी खैर नहीं, बादशाह ने कहा। हुजूर, 2 मुर्गे आप भी दे दें, बीरबल ने कहा। बीरबल की बात सुनकर बादशाह झेप गए। उन्होंने तुरंत अपना आदेश वापस ले लिया। दादा हुजूस्त।
अकबर और बीरबल शाम के समय घोड़े पर बैठे नगर की सैर कर रहे थे। तभी बादशाह अकबर को मजाक सूझा और उन्होंने बीरबल से कहा, भाई अस्य पिदर सुमास्त। फारसी भाषा में बोले गए इस वाक्य के दो अर्थ हैं। पहला, यह घोड़ा तुम्हारे बाप का है, और दूसरा, यह घोड़ा तुम्हारा बाप है। बीरबल हाजिर जवाब तो थे ही, उन्होंने फौरन जवाब दिया, दादा है हुजूस्त। इसके भी दो अर्थ हैं, हुजूर ने दिया है तथा हुजूर का दादा है। जवाब सुनकर बादशाह अकबर मुस्कुरा दिए। दो सवाल एक जवाब। बादशाह अकबर ने बीरबल से दो सवाल पूछे, आदमी बीमार क्यों हुआ, साग अच्छा क्यों नहीं बना। जनाब सोया ना था, बीरबल ने जवाब दिया, अर्थात आदमी सोया, नींद नहीं था और सोया साग ना था। अकबर दो सवालों का एक ही जवाब सुनकर बहुत खुश हुए। उन्होंने पुनः दो सवाल किए और एक ही जवाब देने को कहा। सवाल थे, दीवार क्यों ना बन सकी, धन क्यों चोरी हुआ। राज नहीं था, बीरबल ने जवाब दिया। पहला राज राजमिस्त्री तथा दूसरा राज का अर्थ भेद से है। अकबर इस जवाब से संतुष्ट हो गए और बीरबल की बुद्धि की प्रशंसा किए बिना ना रह सके। नदी रो क्यों रही है। बादशाह अकबर और बीरबल महल में यमुना नदी को निहार रहे थे। वर्षा के मौसम में नदी अपने पूरे उफान पर थी। उसी उफान के कारण बहाव से जो आवाज आ रही थी उससे ऐसा लग रहा था मानो नदी रो रही है। अचानक बादशाह अकबर ने बीरबल से पूछा, नदी रो क्यों रही है। हुजूर, जिस तरह लड़की पति के घर जाते समय पिता से जुदाई के कारण रोती है, उसी तरह यमुना भी अपने पिता पहाड़ से जुदा होकर अपने पति समुद्र के पास जा रही है और इसलिए पहाड़ से जुदा होने के गम में रो रही है, बीरबल ने जवाब दिया। जवाब सुनकर बादशाह अकबर मुस्कुरा दिए। पंडित जी की मातृभाषा। एक पंडित बादशाह अकबर के दरबार में आया और चुनौतीपूर्ण स्वर में दरबारियों से बोला, मैं आप लोगों को चुनौती देता हूं कि मेरी मातृभाषा के बारे में बताएं या हार स्वीकार करें। बादशाह अकबर के दरबारी भला यूं आनन फानन में कैसे हार मान लेते। उन्होंने अलग अलग भाषाओं में उससे सवाल पूछे। तुरंत पंडित भी ऐसा चतुर निकला कि जिस भाषा में सवाल पूछा उसी भाषा में जवाब दिया। ऐसे में उसकी मातृभाषा कैसे पता चलती। हर भाषा को वह इस प्रकार धार प्रवाह बोल रहा था मानो वही उसकी मातृभाषा हो। जब कोई ना बता सका तो वह बादशाह सलामत से मुखातिब हुआ, मैं आपको 7 दिन का समय देता हूँ, मेरी मातृभाषा बताइए, आपको स्वीकार है। बादशाह अकबर ने बीरबल की ओर देखा, दोनों की नजरें मिली। बीरबल ने सहमति देते हुए सर हिलाया तो बादशाह बोले, हमें स्वीकार है। पंडित जी ने शहर की एक सराय में डेरा डाल रखा था। बीरबल ने उसका पता खोज निकाला। अगली रात जब पंडित गहरी नींद में सो रहा था तो बीरबल चुपचाप उसके कमरे में जा घुसा। उसने सूखी घास के तिनके को पंडित के कान में डालकर कुरेदा तो वह कुन मुनाया और फिर गहरी नींद में सो गया। बीरबल ने कुछ देर बाद फिर वैसा ही किया। अब की बार पंडित उठ बैठा और जोर से चिल्लाकर मराठी भाषा में बोला, कौन है, क्यों मेरी नींद खराब कर रहे हो। तब तक बीरबल स्वयं को छुपा चुका था, पंडित को इसका पता ही ना चल सका। कुछ देर यहाँ वहां देख वह फिर से पढ़कर सो गया। बीरबल का काम हो चुका था, वह चुपचाप वहां से निकल गया। एक हफ्ते बाद दरबार में आकर पंडित बोला, जहां पना कुछ पता चला मेरी मातृभाषा क्या है। बादशाह ने बीरबल की ओर देखा तो वह बोला, पंडित जी तुम्हारी बात का जवाब मैं दूंगा। फिर थोड़ी देर तक दोनों विभिन्न भाषाओं में बात करते रहे। अंत में बीरबल बोला, हुजूर पंडित जी की मातृभाषा मराठी है। जवाब सुनकर पंडित भौचक्का रह गया। उसने हार स्वीकार कर ली और सर झुकाए दरबार से चला गया। बीरबल की समझदारी पर बहुत खुश हुए बादशाह अकबर। वे हैरान भी थे कि उसे रातों रात कैसे पता चल गया। पूछा तो बीरबल बोला, हुजूर जब कोई कठिनाई पड़ती है या दुख होता है तब या फिर अचानक नींद से जगा देने पर ही व्यक्ति अपनी मातृभाषा बोलता है। कहते हुए बीरबल ने उस रात का किस्सा बयान कर दिया। सभी दरबारी बीरबल की चतुराई को सराहने लगे और बादशाह ने उसे अपनी रत्न जड़ित माला इनाम में दी। पतीले की मृत्यु। बादशाह अकबर को बर्तनों के एक व्यापारी की बहुत अधिक शिकायतें मिल रही थी। उन्होंने बीरबल को बुलाया और उसे मामले को सुलझाने को कहा। बीरबल ने अपनी तरफ से छानबीन की तो पाया कि वाकई व्यापारी ठगी कर रहा था। बीरबल ने उसे सबक सिखाने की ठान ली। एक दिन बीरबल व्यापारी के पास गए और 2 दिन के लिए 2 पतीले किराए पर लिए। 2 दिन बाद बीरबल तो पतीलों के साथ एक छोटा पतीला लेकर व्यापारी के पास पहुंचा और 3 पतीले व्यापारी को देते हुए बोला, जनाब आपके दोनों पतीलों ने एक नए पतीले को जन्म दिया है, कृपया इसे भी साथ ले लें। व्यापारी को ताज्जुब हुआ किंतु उसने लालच में आकर 3रे पतीले को भी रख लिया। कुछ दिन बाद बीरबल पुनः व्यापारी के पास गया और एक बड़ी तेग पतीला किराए पर ली। 2 दिन बाद बीरबल खाली हाथ व्यापारी के पास पहुंचा तो व्यापारी ने पूछा, देग कहाँ है। जनाब बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि आपके देग की मृत्यु हो गई है,
बीरबल ने कहा, ये क्या कह रहे हो, देख भी कभी मरता है। व्यापारी गुस्से से तमतमा गया, क्यों नहीं मर सकता, जब पैदा कर सकता है तो मर भी सकता है, बीरबल ने सहज भाव से कहा। व्यापारी सारी बात समझ गया। बीरबल ने जब उसे समझाया तो उसने वादा किया कि वह अब कभी बेईमानी नहीं करेगा। बादशाह अकबर को जब सारा किस्सा पता चला तो वह खूब हंसे। पड़ाकू गधा। बीरबल को कहीं से गधा मिल गया। वह उसे बादशाह अकबर के पास लाया और बोला, हुजूर यह गधा काफी बुद्धिमान नजर आ रहा है, यदि इसे पढ़ना सिखाया जाए तो यह पड़ाकू गधा बन सकता है। ठीक है, इस गधे को तुम अपने पास रख लो और एक महीने तक इसे पढ़ाकर दरबार में पेश करो, बादशाह ने कहा। बीरबल ने तो मजाक किया था, किंतु अब बात उसी के ऊपर आ गई थी, अतः अब तो उसे गधे को पड़ाकू बनाना ही था। एक माह बाद बीरबल उस गधे को लेकर दरबार में उपस्थित हुआ तो बादशाह ने पूछा, क्यों बीरबल, अब तो गधा पड़ाकू हो गया होगा। जी हुजूर, बीरबल ने जवाब दिया और एक मोटी सी पुस्तक गधे के सामने रख दी। गधा जीभ से उस पुस्तक के पन्ने पलटने लगा और कुछ देर पन्ने पलटने के बाद जोर जोर से रेखने लगा। यह देखकर बादशाह अकबर हैरान हो गए और उन्होंने बीरबल से पूछा, कमाल है, तुमने गधे को पढ़ाना कैसे सिखा दिया। हुजूर, गधा पढ़ना सीखा या नहीं यह तो मैं नहीं जानता, किंतु पहले दिन से ही मैं इस किताब में घास रखता था जो हर दिन के साथ एक पृष्ठ आगे रखी जाती थी। गधा घास खाता, पन्ना पलटता और जिस पृष्ठ पर घास नहीं मिलती तो रेंकने लग जाता। आज यह 31वें पृष्ठ पर रेंका था क्योंकि उसे आज यहाँ घास मिलनी चाहिए थी, क्योंकि 30 दिन तक हर दिन अगले पृष्ठ पर इसे घास मिलती थी। यह सुनकर बादशाह मुस्कुरा दिए। 12 में 4 निकले तो अकबर ने अपने दरबारियों से सवाल किया, 12 में 4 निकल गए, क्या बचा। सभी दरबारियों ने एकामत होकर कहा, जहां बना 8 बचे। बादशाह अकबर इस जवाब से सहमत ना थे, उन्हें उम्मीद थी कि इसका जवाब बीरबल से ही मिलेगा। वे हसरत भरी नजरों से बीरबल को देखने लगे। बीरबल ने कहा, जहां बना 12 में से 4 निकलने पर कुछ नहीं बचा। वह कैसे, अकबर ने पूछा। हुजूर, एक वर्ष में 12 होते हैं और इनमें 4 माह गर्मी के, 4 सर्दी के तथा 4 बरसात के होते हैं। यदि इनमें से बरसात के 4 माह निकाल दिए जाएं तो कुछ भी नहीं बचेगा, क्योंकि बरसात ना होने से पानी नहीं मिलेगा, पानी नहीं होगा तो खेती सूख जाएगी और तब बचने को रह क्या जाएगा। बीरबल के जवाब से प्रसन्न हो गए बादशाह अकबर। बीरबल और तानसेन का विवाद। तानसेन और बीरबल में किसी बात को लेकर विवाद उत्पन्न हो गया। दोनों ही अपनी अपनी बात पर अटल थे। हल निकलता ना देख दोनों बादशाह की शरण में गए। बादशाह अकबर को अपने दोनों रत्न प्रिय थे, वे किसी को भी नाराज नहीं करना चाहते थे, अतः उन्होंने स्वयं फैसला ना देकर किसी और से फैसला कराने की राय दी। हुजूर, जब आपने किसी और से फैसला कराने को कहा है तो यह भी बता दे कि हम किस गणमान्य व्यक्ति से अपना फैसला करवाएं, बीरबल ने पूछा। तुम लोग महाराणा प्रताप से मिलो, मुझे यकीन है कि वे इस मामले में तुम्हारी जरूर मदद करेंगे, बादशाह अकबर ने जवाब दिया। अकबर की सलाह पर तानसेन और बीरबल महाराणा प्रताप से मिले और अपना अपना पक्ष रखा। दोनों की बातें सुनकर महाराणा प्रताप कुछ सोचने लगे। तभी तानसेन ने मधुर रागिनी सुनानी शुरू कर दी। महाराणा मदहोश होने लगे। जब बीरबल ने देखा कि तानसेन अपनी रागिनी से महाराणा को अपने पक्ष में कर रहा है तो उसे रहा ना गया, तुरंत बोला, महाराणा जी, अब मैं आपको एक सच्ची बात बताने जा रहा हूँ। जब हम दोनों आपके पास आ रहे थे तो मैंने पुष्कर जी में जाकर प्रार्थना की थी कि मेरा पक्ष सही होगा तो 100 गायें दान करूंगा, और मियाँ तानसेन जी ने प्रार्थना कर यह मन्नत मांगी कि यदि वह सही होंगे तो 100 गायों की कुर्बानी देंगे। महाराणा जी, अब 100 गायों की जिंदगी आपके हाथ में है। बीरबल की यह बात सुनकर महाराणा चौंक गए। भला एक हिंदू शासक होकर वह गौ हत्या के बारे में कैसे सोच सकते हैं। उन्होंने तुरंत बीरबल के पक्ष को ही सही बताया। जब बादशाह अकबर को यह बात पता चली तो वह बहुत हंसे। बीरबल का दूध भाई। अकबर का एक दूध भाई था। अकबर ने जिस आया का दूध पिया थे उसके पुत्र को अकबर दूध भाई कहते थे। एक बार बादशाह अकबर ने बीरबल को चिढ़ाने के उद्देश्य से पूछा, बीरबल, मेरा तो एक दूध भाई है, क्या तुम्हारा भी कोई दूध भाई है। जी हाँ हुजूर, मेरा भी एक दूध भाई है, बीरबल ने जवाब दिया। अकबर को हैरानी हुई क्योंकि उन्हें मालूम था कि बीरबल का कोई ऐसा भाई नहीं है, अतः जिज्ञासावश बोले, ठीक है बीरबल, हम उससे मिलना चाहेंगे। जहां पना, कल मैं दरबार में अपने दूध भाई के साथ हाजिर हो जाऊंगा। अगले दिन बीरबल दरबार में गाय के बछड़े के साथ हाजिर हुआ और अकबर से कहा, हुजूर यही है मेरा दूध भाई। वह कैसे, अकबर ने अचरज से पूछा। हुजूर, मैंने इसकी माता गाय का दूध पिया है, इस नाते यह मेरा दूध भाई हुआ ना, बीरबल ने जवाब दिया। बीरबल का जवाब सुनकर अकबर खुश हो गए। बीरबल की खिचड़ी।
अकबर बीरबल की नोक झोंक में यह प्रसिद्ध कथा है और अब तो बीरबल की खिचड़ी को मुहावरे के तौर पर भी प्रयोग किया जाता है, जिसका सीधा सीधा ये अर्थ है कि किसी आसान काम को बहुत मुश्किल बताना या फिर किसी छोटे से काम को करने में बहुत अधिक समय लगा देना। खैर, इससे संबंधित कथा इस प्रकार है। सर्दियों का मौसम था, अकबर और बीरबल यमुना किनारे टहल रहे थे। अचानक अकबर ने पूछा, इस कड़ाके की ठंड में कोई सारी रात नदी में खड़ा रहकर बिता सकता है? हुजूर, कोई ना कोई तो जरूर ही मिल जाएगा ऐसा। यह बात तुम यकीन के साथ कैसे कह सकते हो? हुजूर, पैसे में बहुत ताकत होती है, कोई भी गरीब पैसों के लालच में यह काम कर लेगा। बीरबल की बात को गलत साबित करने के उद्देश्य से अकबर ने दरबार में घोषणा कर दी कि जो भी यमुना नदी में रात भर खड़ा रहेगा उसे 500 अशरफियां इनाम में दी जाएंगी। बीरबल समझ गया कि अकबर ने यह घोषणा क्यों की है। वह धोबियों की बस्ती में गया और एक धोबी को इस काम के लिए तैयार कर लिया। धोबी दरबार में अकबर के सामने उपस्थित होकर बोला, आलमपना, मैं आपकी शर्त स्वीकार करता हूँ। अकबर ने सारी व्यवस्था कर दी। रात को धोबी को नदी किनारे लाया गया। धोबी नदी में उतर गया। अकबर ने वहां दो पहरेदार खड़े कर दिए और लौट गया। अगले दिन धोबी दरबार में पेश हुआ और अपने हक के इनाम की मांग करने लगा। अकबर ने दोनों पहरेदारों से पूछा, उन्होंने भी धोबी के रात भर नदी में खड़ा होने की पुष्टि कर दी। अकबर ने धोबी की प्रशंसा की और पूछा, इतनी ठंड में तुम रात भर नदी में खड़े रहे, तुम्हें ठंड नहीं लगी? हुजूर, में रात भर राजमहल के बुर्ज पर जलती हुई लालटेन को देखता रहा। ओह, इसका मतलब तुम लालटेन की गर्मी पाकर ही ऐसा कर सके, तब तुम इस इनाम के हकदार नहीं रह जाते, तुम जा सकते हो। बेचारा धोबी अकबर के सामने क्या बोलता, चुपचाप दरबार से चला गया। दरबार में बीरबल भी बैठा था। यह बात उसे बहुत बुरी लगी। उसने तय किया कि वह धोबी को उसका हक दिलाकर रहेगा। अगले दिन जब बीरबल दरबार में ना आया तो अकबर ने एक सिपाही भेजकर उसे बुलवाया। बीरबल ने उसे यह कहकर वापस भेज दिया कि वह खिचड़ी पका रहा है, जब पक जाएगी तो खाकर ही दरबार में आएगा। सिपाही ने अकबर को बीरबल का संदेश सुना दिया। जब काफी देर तक बीरबल ना आया तो अकबर ने पुनः अपने आदमी भेजे। इस बार भी बीरबल ने वही जवाब भिजवाया। कई बार आदमी भेजने के बाद भी जब एक ही जवाब आता रहा तो अकबर ने स्वयं बीरबल के पास जाने की ठानी। जब अकबर वहां पहुंचे तो देखा कि 10 फीट ऊंचे 3 बांसों पर ऊपर एक हांडी लटकी हुई है और नीचे आग चल रही है। यह क्या तमाशा कर रहे हो बीरबल? जहां पना खिचड़ी पका रहा हूँ। यह कौन सा तरीका है खिचड़ी पकाने का? दाल चावल की हांडी तो तुमने 10 फीट ऊपर लटका रखी है, आग की गर्मी कैसे पहुंचेगी उस हांडी तक? बीरबल तो बस मौके के इंतजार में था। उसने तुरंत जवाब दिया, क्यों नहीं पहुंच सकती हुजूर, जब महल के बुर्ज पर जलती लालटेन की गर्मी नदी में खड़े एक आदमी तक पहुंच सकती है तो यह हांडी तो आग से मात्र 10 फीट ही दूर है। बीरबल की बात का आशय समझ गए अकबर। उन्होंने धोबी को दरबार में बुलवाया और उसे इनाम दिया। बीरबल की खोज। दरबारियों की चुगलखोरी से परेशान होकर बीरबल अज्ञातवास पर चला गया। बादशाह अकबर ने उसकी बहुत खोज करवाई किंतु नहीं मिला। उन्हें इतना तो यकीन था कि वह आसपास के किसी गांव में छिपकर रह रहा है, किंतु कहां यह पता नहीं चल पा रहा था। बीरबल की खोज के लिए बादशाह अकबर को एक तरकीब सोची। उन्हें मालूम था कि बीरबल को उसकी बुद्धिमानी से ही खोजा जा सकता है, अतः उन्होंने अपने राज्य के सभी गांव के पंचायती सदस्यों को आदेश दिया कि वे एक निश्चित दिन आधी धूप और आधी छांव के साथ यमुना घाट के पास उपस्थित हों, अन्यथा उन पर जुर्माना लगेगा। सभी गांवों के प्रतिनिधि निश्चित दिन निश्चित स्थान पर पहुंच गए, किंतु बादशाह के आदेश का पालन केवल गोकुलपुरा गांव पंचायत के सदस्य ही कर सके, क्योंकि वे लोग सर पर खाट रखकर वहां उपस्थित थे, जिसके कारण वे आधी धूप और आधी छांव के साथ उपस्थित थे। बादशाह अकबर समझ गए कि बीरबल गोकुलपुरा में ही है। उन्होंने तसल्ली के लिए गोकुलपुरा में एक नया आदेश भेज दिया कि महल के कुएं ने गोकुलपुरा गांव के कुएं को अपनी शाही दावत में आमंत्रित किया है, अतः उस गांव के समस्त कुएं दावत में हाजिर हो। उस संदेश के जवाब में राजदरबार में भी गांव की ओर से संदेश पहुंचा। गांव के सभी कुएं महल के कुओं के आमंत्रण पर खुश हैं, किंतु वे चाहते हैं कि महल का कुआं स्वयं आकर उन्हें आमंत्रित करे, तभी वे दावत में उपस्थित होंगे। यह संदेश मिलते ही बादशाह अकबर को यकीन हो गया कि बीरबल गोकुलपुरा में ही है। वहां गए और पंचायत के लोगों से मिलकर पता किया कि उन्हें यह राय किसने दी। उनकी मदद से बादशाह बीरबल तक पहुंच गए और उसे गले लगाकर बोले, बीरबल तुम कहीं भी छिप जाओ, किंतु तुम्हारी समझदारी नहीं छिप सकती, वह तुम्हारा भेद खोल ही देगी। बीरबल मुस्कुराकर रह गया। बीरबल की तीरदांजी। अकबर ने बीरबल पर व्यंग्य करते हुए कहा, बीरबल तुम सिर्फ बातों के तीरंदाज हो,
अगर तीन कमान पकड़कर तीरंदाजी करनी पड़े तो हाथ पांव फूल जाएंगे। यह बात सुनकर सभी दरबारी खुश हो गए। उन्हें लगा बीरबल कोई जवाब नहीं दे पाएगा, किंतु बीरबल कहां मानने वाला था। उसने कहा, हुजूर मैं बातों के साथ साथ बहुत अच्छा तीरंदाजी भी हूँ। बादशाह तो जवाब सुनकर चुप हो गए, किंतु दरबारियों से रहा ना गया। उन्हें लगा कि बीरबल को नीचा दिखाई का यही मौका है, इसलिए वे बादशाह अकबर पर जोर डालने लगे कि बीरबल की तीरंदाजी की परीक्षा ली जाए। अकबर ने भी सोचा कि बीरबल ने जब कहा है तो उसकी तीरंदाजी भी देख ही ली जाए। बादशाह अकबर तथा अन्य दरबारियों के साथ बीरबल मैदान में पहुंचा। उसके हाथ में तीर कमान पकड़ा दिया गया और कुछ दूरी पर एक लक्ष्य रखकर निशाना साधने को कहा गया। बीरबल ने पहला तीर चलाया, निशाना चूक गया। तुरंत ही बीरबल बोला, यह थी मुल्ला जी की तीरंदाजी। दूसरा तीर भी चूक गया। इस पर उसने इसे राजा टोडरमल की तीरंदाजी बताया। संयोग से तीसरा तीर सीधा अपने लक्ष्य पर जाकर लगा। तब बीरबल ने बड़े गर्व से कहा, और इसे कहते हैं बीरबल की तीरंदाजी। अकबर हंस पड़े, वह समझ गए कि बीरबल ने यहां भी बातों की तीरंदाजी की है। बीरबल की योग्यता। दरबार में बीरबल से जलने वालों की कमी ना थी। बादशाह अकबर का साला तो कई बार बीरबल से मात खाने के बाद भी बाज ना आता था। बेगम का भाई होने के कारण अक्सर बेगम की ओर से भी बादशाह को दबाव सहना पड़ता था। ऐसे ही एक बार फिर साले साहब स्वयं को बुद्धिमान बताते हुए दीवान पद की मांग करने लगे। बीरबल अभी दरबार में नहीं आया था, अतः बादशाह अकबर ने साले साहब से कहा, मुझे आज सुबह महल के पीछे से कुत्ते के पिल्लों की आवाजें सुनाई दे रही थी, शायद कुतिया ने बच्चे दिए हैं। देख कर आओ फिर बताओ कि यह बात सही है या नहीं। साले साहब चले गए। कुछ देर बाद लौट कर बोले, हुजूर आपने सही फरमाया, कुतिया नहीं बच्चे दिए हैं। अच्छा कितने बच्चे हैं, बादशाह ने पूछा। हुजूर वह तो मैंने गिने नहीं, गिन कर आओ। साले साहब गए और लौट कर बोले, हुजूर पांच बच्चे हैं। कितने नर हैं कितने मादा, बादशाह ने फिर पूछा। वह तो नहीं देखा, जाओ देख कर आओ। आदेश पाकर साले साहब फिर गए और लौट कर जवाब दिया, तीन नर दो मादा हैं हुजूर। नर पिल्ले किस रंग के हैं हुजूर, वह अभी देख कर आता हूँ। रहने दो, बैठ जाओ, बादशाह ने कहा। साले साहब बैठ गए। कुछ देर बाद बीरबल दरबार में आया। तब बादशाह अकबर बोले, बीरबल आज सुबह महल के पीछे से पिल्लों की आवाजें आ रही हैं, शायद कुतिया ने बच्चे दिए हैं, जाओ देख कर आओ माजरा क्या है। जी हुजूर, बीरबल चला गया और कुछ देर बाद लौट कर बोला, हुजूर आपने सही फरमाया, कुतिया नहीं बच्चे दिए हैं। कितने बच्चे हैं हुजूर, पांच बच्चे हैं। कितने नर हैं कितने मादा हुजूर, तीन नर हैं दो मादा। नर किस रंग के हैं, दो काले हैं एक बादामी है। ठीक है बैठ जाओ। बादशाह अकबर ने अपने साले की ओर देखा, फिर सर झुकाए चुपचाप बैठा रहा। बादशाह ने उससे पूछा, क्यों अब तुम क्या कहते हो। उसे कोई जवाब देते ना बना। बीरबल ने आज्ञा मानी। बीरबल से किसी बात पर नाराज हो गए बादशाह अकबर और गुस्से में बीरबल से कह दिया कि तुरंत यहां से चले जाओ और दोबारा कभी हमारे राज्य की धरती पर पैर मत रखना, वरना मृत्यु दंड दे दिया जाएगा। बीरबल चुपचाप वहां से चला गया। कुछ दिनों बाद बादशाह अकबर को एहसास हुआ कि उन्होंने जो किया वह गलत था। उन्हें बीरबल की याद सताने लगी, किंतु वह बीरबल को कहां खोजने जाते, उन्हें मालूम ही नहीं था कि वह कहां है। एक दिन बादशाह अकबर सैर करके लौट रहे थे तो अचानक उनकी नजर बीरबल पर पड़ी। वह एक बैलगाड़ी पर बैठा हुआ था। बीरबल को देखकर बादशाह अकबर पहले तो प्रसन्न हुए, फिर उन्हें अपना हुक्म याद आया तो पूछा, क्यों बीरबल तुम्हें हमारा भी डर नहीं है, तुमने हमारे हुक्म की अवहेलना की। मैंने कहा था कि हमारे राज्य की धरती पर पैर मत रखना, फिर तुम यहां कैसे। हुजूर मैं तो आपके हुक्म का ही पालन कर रहा हूँ, आपकी आज्ञा अनुसार मैं पहले अरब देश गया और वहां जाकर वहां की मिट्टी इस गाड़ी पर बिछा दी और लौट आया। अब सारी जिंदगी इसी गाड़ी पर बिता दूंगा, आपके राज्य की जमीन पर पैर भी नहीं रखा है और ना ही रखूंगा, बीरबल ने कहा। बादशाह ने देखा कि सचमुच गाड़ी पर मिट्टी पड़ी हुई थी और बीरबल उसी मिट्टी के ऊपर बैठा था। बीरबल की चमत्कारी बुद्धि पर बादशाह अकबर बेहद प्रसन्न हुए। उन्हें खुशी थी कि बीरबल ने उनकी आज्ञा का पालन भी किया और उनसे दूर भी नहीं हुआ। बादशाह ने बीरबल को माफ कर दिया और पुनः दरबारी कामकाज संभालने की आज्ञा दी। बीरबल ने बादशाह की इस आज्ञा का भी पालन किया। बीरबल ने कहानी सुनाई। बादशाह अकबर को किस्से कहानियां सुनने का भी शौक था और वे अक्सर किसी ना किसी दरबारी को कहानी सुनाने को कह देते थे। एक दिन दरबारियों ने बादशाह अकबर के कान भरे कि बीरबल को भी कई कहानियां आती हैं। बीरबल के पीछे पड़ गए बादशाह अकबर कि वह उन्हें कहानियां सुनाए, किंतु बीरबल उन्हें टालता रहा क्योंकि उसे कहानियां आती ही नहीं थी। आखिर बीरबल भी उन्हें कब तक टालता। बादशाह की जिद के कारण उसे कहानी सुनानी ही पड़ी। बीरबल कहानी सुनाने लगा। एक किसान था, उसने खूब मेहनत करके फसल उगाई। फसल जब तैयार हो गई तो उसने फसल काट ली। किसान की समस्या यह थी कि फसल को चिड़ियों से कैसे बचाए।
क्योंकि चिड़िया फसल का एक बहुत बड़ा हिस्सा चुग जाती हैं। किसान ने फसल की छटाई करके सारे अनाज को एक बड़ी कोठरी में बंद कर दिया। उस कोठरी में चिड़ियों के अंदर जाने का भी कोई रास्ता नहीं था, अतः वह अनाज चिड़ियों से भी महफूज था। किंतु हुजूर, जब भगवान ने पेट बनाया है तो उसके लिए भोजन का इंतजाम भी कर देता है। अनाज की कोठरी के द्वार पर चूहों ने बिल बनाकर आने जाने का रास्ता बना दिया था। उसमें से चूहों के अलावा चिड़ियां भी आ जा सकती थी। चिड़ियों की जब उस बिल पर नजर पड़ी तो वह चहचहा उठी। सभी चिड़ियों ने मिलकर तय किया कि एक चिड़िया अंदर जाएगी, जब वह भरपेट अनाज खाकर बाहर आएगी तब दूसरी चिड़िया अंदर जाएगी। इसी तरह एक चिड़िया अंदर गई, अनाज खाया और बाहर आ गई। दूसरी चिड़िया अंदर गई, अनाज खाया और बाहर आ गई। तीसरी चिड़िया अंदर गई, अनाज खाया और बाहर आ गई। चौथी चिड़िया अंदर गई। आगे क्या हुआ? बादशाह अकबर ने झुंझलाकर कहा। हुजूर, वही तो बता रहा हूँ, पांचवी चिड़िया अंदर गई। और अभी कितनी चिड़िया और अंदर जाएंगी? बादशाह ने पूछा। हुजूर, चिड़ियों की संख्या तो लाखों में है, जब तक सभी अनाज खा नहीं लेती कहानी आगे कैसे बढ़ेगी? बीरबल ने जवाब दिया। बस बस, मुझे नहीं सुननी तुम्हारी कहानी, बादशाह अकबर ने कहा। मैं समझ गया कि तुम्हें कहानी नहीं आती है, तुम जा सकते हो। जी हुजूर, बीरबल ने जवाब दिया और चला गया। इसके बाद बादशाह ने कभी भी बीरबल को कहानी सुनाने के लिए नहीं कहा। बीरबल बुद्धिमान क्यों? बीरबल बुद्धिमान तो थे, किंतु रूप रंग में कुछ खास न थे। एक दिन दरबार में सुंदरता की बात चल पड़ी तो मुल्ला दो प्याजा ने बीरबल को नीचा दिखाने के उद्देश्य से कहा। बीरबल, जब भगवान सुंदरता बांट रहा था तो तुम कहाँ थे? सभी दरबारी हंस पड़े। उन्होंने सोचा कि अब बीरबल लज्जा के कारण जवाब नहीं दे पाएगा, किंतु ऐसा कहाँ संभव था। बीरबल भला कैसे चुप रह सकता था? बात यह है कि भगवान सिर्फ सुंदरता ही नहीं बांट रहा था, बल्कि वह दौलत, अक्ल और ताकत भी बांट रहा था। मैं अक्ल की लाइन में खड़ा था, जबकि बाकी लोग जल्दी में थे और सुंदरता, दौलत और ताकत की लाइन में भी लगना चाहते थे। इसलिए जरा सी अक्ल लेकर दूसरी मेरी अक्ल आप लोगों से 3 गुना अधिक है, क्योंकि मैं सुंदरता, दौलत और ताकत नहीं ले सका। बीरबल का जवाब सुनकर सभी के मुंह पर ताला लग गया। बीरबल ही दीवानी के योग्य। बादशाह अकबर की बेगम ने जिद पकड़ ली कि उनके भाई को दिल्ली का दीवान नियुक्त किया जाए और बीरबल की दीवान पद से छुट्टी कर दें। बादशाह अकबर ने बेगम को बहुत समझाया, उनके भाई के लिए किसी दूसरी पद की पेशकश की, किंतु बेगम ना मानी। हार कर बादशाह बोले, ठीक है बेगम, कल हम तुम्हारे भाई को अपने साथ ले जाएंगे और उसे परखेंगे। यदि इस पद के योग्य लगा तो हम उसे दीवान बना देंगे। बेगम शांत हो गई, उसे अपने भाई की बुद्धिमानी पर पूरा भरोसा था। अगले दिन बादशाह अकबर अपने साले के साथ दरगाह से लौट रहे थे तो उन्हें रास्ते में एक जगह हाथी के पैर का निशान दिखाई दिया। वे अपने साले से बोले, 3 दिन तक इस निशान की देखभाल करो, यह निशान मिटना नहीं चाहिए। यदि ऐसा कर पाए तो तुम्हारी दीवानी पक्की। यह कहकर बादशाह अकबर लौट गए और उनका साला वहीं रुककर हाथी के पैर के निशान की देखभाली करने लगा। 3 दिन तक भूखे प्यासे रहकर उसने उस निशान को वहां से मिटने ना दिया। 4th दिन प्रातः दरबार में आकर बादशाह अकबर को बता दिया कि वह इस निशान को बचा पाने में कामयाब हो गया है। अगले दिन बादशाह अकबर ने बीरबल को बुलाया और उसी जगह ले आए जहां उनके साले ने हाथी के पैर के निशान की रक्षा की थी। वहां पर बादशाह अकबर ने पहले से ही हाथी के पैर का एक नया निशान बनवा दिया था। वह निशान बीरबल को दिखाते हुए बादशाह अकबर बोले, 3 दिन तक यह निशान यही मौजूद रहना चाहिए, अन्यथा तुम्हारी दीवानी गई समझो। बादशाह अकबर लौट गए। बीरबल ने अपने सेवकों से 10 हाथ लंबी रस्सी मंगवाई और जमीन नापने लगे। उसे ऐसा करते देखकर आसपास के निवासियों ने इस बारे में पूछताछ की तो बीरबल बोला, इस निशान से 10 हाथ की दूरी तक के सभी मकान तोड़े जाएंगे, वही देख रहा हूँ कि कितने मकान आ रहे हैं। वह सुनते ही वे लोग डर गए जिनके मकान इस सीमा के अंदर थे। वे बीरबल से बचाव की गुजारिश करने लगे। बीरबल ने उन सभी लोगों से 500 से 1000 रुपए तक वसूले। इस तरह उसने 1,00,000 रुपए एकत्रित किए और कहा, अब तुम लोगों के मकान बच जाएंगे, किंतु यह हाथी के पैर का निशान यहाँ पर 3 दिन तक मौजूद रहना चाहिए, अन्यथा तुम्हारे रुपए भी जाएंगे और मकान भी नहीं बचेंगे। सभी लोगों ने बीरबल को विश्वास दिलाया कि वे इस निशान को 3 दिन तक मिटने नहीं देंगे। बीरबल को भी विश्वास था कि वे लोग जरूर उस निशान की रक्षा करेंगे। बीरबल अपने घर लौट आया और 3 दिन तक आराम किया। उसके पश्चात दरबार में जाकर 1,00,000 रुपए शाही खजाने में जमा करवाकर उसकी रसीद प्राप्त की। फिर वह बादशाह से मिलने दरबार की ओर चल दिया। दरबार में पहुंचकर बीरबल ने बादशाह अकबर को सलाम किया, फिर कहा, हुजूर, हाथी के पैर के निशान अब भी वहां मौजूद हैं और यह उसकी रक्षा करने के लिए मिले 1,00,000 रुपए की रसीद है। बादशाह अकबर हैरान हो गए। जब उन्हें सारी बात मालूम पड़ी तो उन्होंने अपने साले को दरबार में बुलाया और कहा,
तुमने हाथी के पैर के निशान की 3 दिन तक भूखे प्यासे रहकर रक्षा की और मिला कुछ भी नहीं। उधर बीरबल को जब यही आदेश दिया तो उसने बड़ी सफाई से खुद वहां ना उपस्थित रहकर उस निशान की रक्षा भी की तथा शाही खजाने के लिए 1,00,000 रुपए भी एकत्र कर लिए। अब तुम ही बताओ इस राज्य का दीवान बनने योग्य कौन है। बादशाह के साले को बहुत शर्मिंदगी महसूस हुई। वह चुपचाप सर झुकाकर दरबार से चला गया।